शास्त्रों में हवन करना महत्वपूर्ण, शुभ फल प्रदायक और लाभदायक माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि हवन कौन से कुंड में करना चाहिए, कितने प्रकार के हवन कुंड होते हैं और उनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अपनी संस्कृति वेद पुराण जानने हेतु हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। इन हवन कुंड में पहला योनि कुंड आता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हवन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये कुंड योनि के आकार का होता है। योनि अर्थात पान के पत्ते के आकार वाला कुंड। जहां एक ओर इस हवन कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार तो वहीं इसका दूसरा सिरा त्रिकोणाकार रूप में नजर आता है। सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए इस कुंड में हवन करने का विधान है। दूसरा, अर्धचंद्राकार कुंड। अर्धचंद्राकार अर्थात आधे चांद के आकार वाला यह कुंड पारिवारिक जीवन, सुखी पारिवारिक जीवन के उपाय में आने वाली कठिनाइयों से निजात पाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस कुंड में हवन करने से व्यक्ति को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। तीसरा, त्रिकोण कुंड। इस यज्ञ कुंड का आकार इसके नाम की भांति ही त्रिकोण रूप में है। शास्त्रों के अनुसार त्रिकोण कुंड में हवन से शत्रु पर विजय हासिल होती है और व्यक्ति पर त्रिदेवों का विशेष आशीर्वाद भी बना रहता है। चौथा, वृत्त कुंड। वृत्त कुंड की आकृति गोलाकार होती है। हवन के लिए इस कुंड का इस्तेमाल जनकल्याण की भावना हेतु किया जाता है। इसी कुंड का प्रयोग कर प्राचीन काल में ऋषि मुनि जगत के कल्याण हेतु भगवान से उनकी कृपा और वरदान प्राप्त करते थे। पांचवा, समष्टास्त्र कुंड। समष्टास्त्र कुंड का प्रयोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हवन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस कुंड में हवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार के रोग के होने का खतरा भी खत्म हो जाता है। छठा, समषडस्त्र कुंड। इस कुंड में छह कोण होते हैं। इस प्रकार के कुंडों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हवन करने का उद्देश्य समाज में प्रेम भाव को फैलाना हो, धार्मिकता स्थापित करने और सद्भाव की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस कुंड में हवन करने के विशेष महत्व है। सातवां, चतुष्कोण अस्त्र कुंड। इस कुंड को हवन के लिए तब प्रयोग में लाया जाता है जब हवन करने का उद्देश्य अपने जीवन में उथल पुथल को रोकना और शांति स्थापित करना हो। इस कुंड में किए गए हवन से भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आठवां, अति पद्म कुंड है। पद्म का अर्थ होता है कमल, अर्थात इस हवन कुंड का आकार कमल के रूप का होता है। यह इकलौता ऐसा कुंड है जो 18 भागों में बांटा जाता है। इस हवन कुंड को शास्त्रों में प्राण प्रदायक माना जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जान लेने के पीछे पड़ा है और आपको मारने के नए नए षड्यंत्र रचता रहता है तो इस कुंड में हवन करने से आपको जीवन दान मिलेगा और आपके शत्रु पर विजय प्राप्ति के उपाय का ही अंत हो जाएगा।